मैं बहुत टाइम से ट्रैक्स कर रहा हूँ. मेरा खुद का म्यूज़िक लेबल है जिसके थ्रू मैं बहुत सारे गाने करता रहता हूँ. ये गाना ऐसा हुआ कि 7 साल पहले और 7 साल के बाद तक हम लोग हर 2-3 महीने में किसी शो पे मिलते थे या फ्लाइट पे मिलते थे और हम लोग हमेशा मिलके ये बोलते थे दैट सोफी साथ काम करना है, साथ काम करना है. व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, व्हाई हैव वी नॉट डन एनीथिंग टुगेदर टिल नाउ. एंड फाइनली After 7 years, she came to my house for the first time, I think, and she said, okay, now, एक बार वो शुरुआत करने वाली बात होती है, उसके बाद there was no looking back, and we decided on this song, 1.5 महीना तो हमने खाली decision में लगाया कि आप कौन सा गाना आपको ठीक लगता है, कौन सा गाना मुझे ठीक लगता है, and unanimously we decided, रात अकेली है एक ऐसा गाना है जिसके साथ हम सोफी को आई कैन शो हर रियली वेल एंड शी इज सच अ ग्लैमरस गर्ल दैट शी विल बी एबल टू पुल इट ऑफ फैबुलसली वेल एंड यू कैन सी द वीडियो. इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम. नहीं एक्चुअली यार जब हम सोच रहे थे कि कौन सा गाना करें तो राघव ने कहा शुड वी ट्राई रात अकेली, तो मैं थोड़ा सा घबरा गई बिकॉज आई थिंक ये एक बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट गाना है. ना सिर्फ क्योंकि आशा जी ने गाया, मैंने उनके गाने पहले भी गाए, शी इज इनक्रेडिबल एंड टफ टू कॉपी एंड एम्यूलेट, तो आपको अपने स्टाइल में गाना पड़ेगा. लेकिन इस गाने की जो रेंज है नीचे से लेके ऊपर तक, तो मैं सोच रही थी कि इतना कल्ट गाना कैसे करेंगे, बट ही वॉज वेरी कन्विंस्ड. और जितना मैंने सुना मुझे भी लगा कि थोड़ा कोलैबोरेशन मेरे लिए भी बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि मैं डांसी टाइप गाने काफ़ी कर चुकी हूँ, इस टाइप का गाना मैंने नहीं किया. और मैं वाकई चाहती हूँ कि लोग देखें कि सोफी वाकई अच्छा गाती हैं और अलग अलग चीज़ें गाती हैं. सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम. शूटिंग के दौरान तो क्रिएटिव डिफरेंसेस का मौका ही नहीं था क्योंकि डायरेक्टर साहब भी यही तो इनकी बात माननी पड़ी थी, बट ही इज़ सो वंडरफुल टू वर्क विद. ही वॉज वेरी श्योर, वेरी क्लियर कि इनको क्या चाहिए था. आई थिंक समटाइम्स इज़ गुड टू जस्ट लेट गो and let one person take control and take charge, and so it was great. It's always been a challenge. You know, pop in India has always been a challenge. It's not something which is new. In fact, मैं तो कहता हूँ कि अब थोड़ा सा better होने लग गया है. In the past 3-4 साल तो बहुत ही बुरा हाल था, pop was absolutely not accepted at all. Yeah. But luckily, I never lost hope. I opened my label also in 2009, which basically gave me the confidence कि ये मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ इतनी आसानी से. See, for an artist, हम Bollywood करते हैं, ये Bollywood में गाती हैं, मैं music direct करता हूँ. It's a very the thought is led by the director and the producers. तो आप उनके wishes के ऊपर गाना बना रहे हैं, situations के ऊपर गाना बना रहे हैं. आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे जो आप खुद करना चाहते हैं. Plus, more than anything is that does not have any face value for yourself. Yeah. It is pictureized on an actor, on actresses, or various other people. यहाँ पे we want to show that we are